अल्लाह में चार, मोहम्मद में चार, अहमद में चार, किताबें भी चार, सिमतें भी चार, मशरक में चार, शिमाल में चार, जुनूब में चार, मगरब में चार, हरकत में चार, सूरज में चार, अजान में चार, मस्जिद में चार, नमाज में चार, क्या बताऊं कहां कहां है चार, क्या बताऊं कहां कहां है चार, क्या बताऊं कहां कहां है चार। मैं बस आखिरी शेर दे रहा हूं, हाथ उठा के बोलिएगा सिदक का ताजदार, बोलिएगा सिदक का ताजदार, अदल का पहरेदार, सखा कलमदार, हैदर ए करार, है जिनको इनसे प्यार, बोले मेरे यार हक चार यार, हक चार। ये मुझे शादी का हुक्म था, एक मेरे दिल का भी हुक्म है। अब जो दिल का हुक्म है वो आसी साहब के हवाले है, और आपसे इजाजत है, अगर मैंने सुबह 10-11 बजे हालिये में ना पढ़ना होता, इश्तिहार बना है, तो आज आसी साहब को मन की सुनाते, मन की सुनते बैठे रहते, लेकिन मादर चाहता हूं। आखिरी शेर सुनिएगा, रोज ख्वाबों में करबला से होके आता, छुट्टी उस बंदे दी यदि करबला नल नहीं बढ़ती, छुट्टी उस बंदे दी यदि मौला हुसैन नल नहीं बढ़ती। तुसी सारे ईमान वाले बैठे हो, हाथ चौके मेरे शामिल हो जाते, छुट्टी करिए, बिस्मिल्लाह बोलिएगा। करबला से हो के आता हूँ, इसके कुछ अशआर मदीना मुनव्वरा में बैठ के लिखे गए। मैं अली वाला हूँ, जो अली वाला है हाथ उठाएगा, रोज ख्वाबों में करबला से हो के आता हूँ, मैं अली वाला हूँ, और किधर जाऊंगा, और किधर जाऊंगा। हाथरी चनी भाई, मेरी सांसों पे है पहरा मेरे हैदर का, मेरी सांसों पे है पहरा मेरे हैदर का, हैदर को दिल से निकालोगे तो मर जाऊंगा, मैं अली वाला हूँ, और किधर जाऊंगा। मैं अली वाला हूँ, और किधर जाऊंगा, रोज ख्वाबों में करबला से हो के आता हूँ। भाई हाथ उठाना, मैंने अब्बास को माना है पेशवा अपना, मैंने गादी अब्बास को माना है पेशवा अपना, तुम समझते हो मैदानों में मैं डर जाऊंगा, नहीं नहीं, मैं अली वाला हूँ, और किधर जाऊंगा। मैं अली वाला हूँ, और किधर जाऊंगा। अगर मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूं कि कैमरा घुमा के उस बंदे का हाथ कैच करना है जिसका अकीदा है मैं अली वाला हूँ, और किधर जाऊंगा, और किधर जाऊंगा, रोज ख्वाबों में। आखिरी शेर जी, आखिरी शेर, ये कलाम तवालत में है, इसके 30-32 शेर हैं, फिर जिंदगी में पढ़ेंगे, लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं है, समझदार लोग बैठे हैं। ये सियालकोट की बस्ती है, ये सियालकोट का नगर है, ये उस बंदे दरवेश का शहर है जिसको अलामा इकबाल कहते हैं, जो दरवेश मोहम्मद भी है, और जिसने रब्बे काबा की इज्जत की कसम जन्नतुल बकी की सीढ़ी जो जा रही है उसके पहले जीने पे खड़े होके कहा था, जहरा पाक अगर आपके बाबा की शरीयत का मसला ना होता आपकी तुर्बत का मैं तवाफ कर लेता। मैं उस कलंदर के शहर में खड़ा हूं, उस कलंदर के शहर में, इत्थे खलो के बंदा मिन्नत करे बनदी नहीं, बड़े कलंदराना तबीयत रखने वाले इकबाल का ये शहर है। शेर आखिरी है, वजन करना बड़ी मोहब्बत के साथ, मैं हूं नौमान नबी जादी के दर का कम कर, मैं हूं नौमान नबी जादी के दर का कम कर, अरे ठोकरे मारोगे तो और निखर जाऊंगा, मैं अली वाला हूँ, और किधर जाऊंगा, अली वाला हूँ, और किधर जाऊंगा। बहुत शुक्रिया जी, मैंने ये 32 साल बड़े बड़े उलमा इकराम जोड़े सीधे कीते,
बड़े बड़े लोग आए, अल्लाह को प्यारे हुए, आज भी उनका नाम रोज़े रोशन की तरह रोशन है। लेकिन सियालकोट वालों, ये जो आने वाला दीवाना है ना, ये भी ऐसी आस है, हर बंदे को इसी की आस है। एक होता आसी अलमदा के साथ, एक होता आसी ऐन के साथ। जो ऐन के साथ उसको कहते गुनागार, आसी वो मैं खड़ा हूँ, गुनागार। ये वो आसी है कि रात को 3 बजे भी लोग कहते ना कदों आसी, ये सरेकी में कहते हैं कदों आसी। मैं क्या कहूँ, हजरत आसी। अब देखना कि आसी और आसी में फर्क क्या है। आइए मैं दावत सुखन दे रहा हूँ। ये तो ये देखें गनी बरादरान की मोहब्बत, देखें कितने फूल मेरे भाइयों ने निशावर किए हैं। लोगों के मर जाने फूल नहीं पैंदे, साढ़े जीवदियों नूं पैंदे है, तुहानू पता ही है। बहुत शुक्रिया। तो मैं इस किताब मोहब्बत का आखिरी वर्क की आखिरी सत्र पढ़ रहा हूँ। जीनतुल उलमा हजरत अलामा मौलाना अलहाज अलहाफिज मोहम्मद इमरान आसी साहब से मुल्तमस हो गया कि वो अपनी खूबसूरत मलफूजात आलिया से मुस्तफीद फरमाएंगे। अगर लगन से इजाज़त दे देंगे तो इश्तिहार के तो एक नारा बुलंद करें, एक नारा तकबीर, नारा तकबीर।